योग शिक्षकों ने करनाल में लघु सचिवालय के सामने धरना देकर रोष जाहिर किया। उन्होंने मांग की कि उनके अनुबंध को बढ़ाया जाए और आयुष विभाग में समायोजित करके उनकी सेवाओं को निरंतर जारी रखा जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के जरिए अनुबंध आधार पर व्यायाम शाला में योग वॉलंटियर की भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किए थे और 500-500 वॉलंटियर की भर्ती की गई थी, जिनको एक वर्ष का अनुबंध होने पर नौकरी से हटा दिया गया है। अनुबंध बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले करीब एक साल से ज्यादा समय से योग शिक्षक सरकार से गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी मांग पूरी नहीं की गई। अपनी मांगों को पूरा करवाने के उद्देश्य से आज बड़ी संख्या में योग शिक्षक लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। योग को लाना है, खिलाड़ियों को बनाना है। करो योग, योग करो योग, योग करो योग, योग भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे शिक्षकों की भर्ती की गई थी और व्यायामशाला बनाई गई थी, जो टारगेट था सरकार का कि 1000 व्यायामशालाएं बनाई जाएंगी, जिसमें से 500 कुछ पूरी हो चुकी हैं, बाकी अधूरी पड़ी हैं। एक साल के लिए हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था एज ए योग वॉलंटियर और 8100 रुपये हमारा मानदेय था। अब एक साल के बाद हमें हटा दिया गया है। हमने एक साल के बाद जब दोबारा रिन्यू का लेटर भी कर दिया था, उन्होंने भी खेल विभाग में आपको लिया जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको आयुष में समायोजन किया जाएगा, आयुष डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमें ना आयुष में किया गया ना खेल डिपार्टमेंट में किया गया। हम 8 महीनों से सड़कों पे आए हुए हैं। कितने लोग आप? हम 665 762 के करीब आदमी हैं हम, और 762 के बाद हमने निर्णय लिया भाई एक दिन का साकेतिक धरना दिया। और हमारी मुख्य मांगे, नंबर 1 हमने रिज्वाइनिंग करानी चाहिए हमारी, नंबर 2 हमारा मानदेय उचित होना चाहिए, नंबर 3 हमारा टाइम टेबल पीरियड बढ़ाना चाहिए जो 1 घंटे का। हमने व्यायामशालाएं बहुत साफ सुंदर बनाई थी, आज भी उनके फोन आते हैं जिन्हें हम योग कराते थे, भाई आप आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। हमने कहा भाई सरकार ने हमारा रिन्यू नहीं करा और हमारा खर्चा ज्यादा है, हम गरीब परिवार से हम इतना सहन नहीं कर सकते। एक साल के लिए रखा था आपको? एक साल के लिए रखा था हमें। क्या नाम आपका? बलजीत सिंह, करनाल योग शिक्षक अध्यक्ष करनाल। क्या मामला, क्या है, क्यों जी? एक साल पहले हमारी नियुक्ति की गई थी, अब उसके बाद हमारे को निकाल दिया गया है। हम लोग सब घर पे बैठे हैं, लगभग 12 महीने से हम योग शिक्षक घर पे हैं। और हमने सारे मंत्रियों को, सारे अपने पार्षदों को, सबको हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं, अपना शांतिपूर्वक अपना निवेदन प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि हमारी नियुक्तियां जल्दी की जाए। हमें बार बार यही झूठा आश्वासन मिल रहा है कि हमें आयुष में हमारी नियुक्ति का आदेश आ चुका है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई आदेश डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिला है। और हमारी एक मांग ये भी है कि 8100 वेतन मान जो हमें दिया गया था वो बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि हमारी व्यायामशालाएं इतनी दूर दूर हैं, हमें जाने का खर्चा इतना पड़ जाता है कि हमारे को कुछ नहीं बचता, दो दो समय हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं समान काम समान वेतन हमें मिले, हम काम पूरा करेंगे, समय पूरा देंगे अपना, हमें वेतन भी पूरा मिले और हमारी नियुक्ति जल्दी की जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ पुनः मिल सके और हम लोगों की रोजी रोटी चल सके, जो बेरोजगार है उनको रोजगार पुनः मिल सके और हमारे योग का जो सम्मान है वो निरंतर देश में बढ़ता रहे। आज क्या कार्यक्रम है? क्या नाम आपका? नीरू मित्तल, यमुनानगर से। आज का क्या है प्रदर्शन? आज का यही है कि आज हमारा हमसे जो वादा किया गया था वो पूरा किया जाए, आयुष विभाग से हमारा नियुक्ति पत्र जल्दी जारी करवाया जाए और हमारा मतलब ये जो ज्वाइनिंग जल्दी कराई जाए। नौकरी 2019 जनवरी से हमारे को हटा दिया गया था सरकार द्वारा, लेकिन हमारी दोबारा से नियुक्ति नहीं हुई है और हमें 8100 रुपये मिलते थे जो बहुत कम थे, कोई क्योंकि उसमें है ना हमारी ड्यूटी 70 किलोमीटर दूर थी, किसी साथी की ड्यूटी 40 किलोमीटर दूर थी, सुबह हमारे को ड्यूटी पर जाना पड़ता था, शाम को भी जाना पड़ता था 1-1 घंटे के लिए। अब आप क्या कर लगा था? कौन से विभाग से हो आप?
हम खेल विभाग में, खेल विभाग में लगाया गया था हमारे को सरकार। सभी योगा टीचर है। हाँ जी, योग शिक्षक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।